हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नौशादालम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशादालम क्लासेस में। आज मैं 12th के फिजिक्स के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th के फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर में हम लोग संधारित नामक चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पहले पीछे क्लियर कर चुके हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या कि संधारित्र क्या होता है और समांतर प्लेट संधारित्र का हमने कंसेप्ट आपको बता रखा हुआ है, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका गोलीय संधारित्र की धारिता से संबंधित, ठीक है। हमने बताया था कि संधारित्र जो होते हैं आपको तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, दूसरा होता है आपका गोलीय संधारित्र, और तीसरा क्या था आपका बेलनाकार संधारित्र। ये हमने बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने मेरे पीछे के दो वीडियो नहीं देखे हुए हैं, जो पीछे के वीडियो नहीं देखे हुए संधारित्र वाले, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जो भी हमारा टॉपिक है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, क्या होता है संधारित्र, कैसे संधारित्र बनता है, उसके लिए आपको पीछे के हमारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो से मेरे लेक्चर से दूरी मेरे वीडियो से जुड़ी जो भी अपडेट्स है आपको और सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास कंसेप्ट गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है। गोलीय संधारित्र, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं धारिता के बारे में। धारिता आपको याद होना चाहिए, धारिता जो होता है उसको बोलते हैं सी, ठीक है, और सी जो होता है वो क्या होता है क्यू अपॉन वी के बराबर होता है, ठीक है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, धारिता का जो फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन विभव को ही बोलते हैं क्या हम लोग, धारिता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोलीय संधारित्र है, ठीक है, गोलीय संधारित्र है और उसकी हमको निकालना है धारिता, ठीक है। तो देखिएगा जरा हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं क्या है, कैसे हम लोग करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक गोला है, ठीक है, एक हमारे पास संकेंद्रीय गोला है। आराम से देखिएगा, ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है। अच्छा, ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या कितनी है, ए है, ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी, ए है, ठीक। अच्छा, एक दूसरा गोला है, जब तक हमारे पास दो प्लेट नहीं होंगे तब तक हम इस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संधारित्र के लिए आपको दो प्लेट होना आवश्यक है, एक तो आपका कौन सा प्लेट होगा, आपका एक प्लस का क्यू प्लेट होगा और एक क्या होगा माइनस का क्यू प्लेट होना चाहिए, ठीक है, तभी हम संधारित्र को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक गोलीय चालक बेसिकली, है ना, और हम यहाँ पे प्रयास करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता निकालने का। तो हमने एक लिया आपको कौन सा गोला, गोला ए लिया हुआ, हम इसको बोल देते हैं ये हमारे पास गोला ए है, ठीक है, और ये गोला है हमारे पास बी। गोले ए का, गोला ए जो दिया हुआ है हमारे पास, उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, ए दी गई है, और गोला बी जो है इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, बी है, ठीक, ए बी वाला ए और बी, ठीक है। अब होता क्या है, आवेश देना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें दो तरह के संधारित्र बनते हैं। सबसे पहला एक दो तरह के संधारित्र क्या बनते हैं कि इसमें क्या होता है, अब जानते हैं कि इसमें हम जब हम बनाते हैं संधारित्र, जब बनाते हैं तो हमारे पास दो प्लेट होते हैं, एक तो प्लस का क्यू होता है और एक माइनस का क्यू होता है ना, ये माइनस का क्यू होता है, यहाँ पे प्लस 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 है ना, और यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये हमने पीछे के लेक्चर में बताया था। और ये जो माइनस वाला होता है वो क्या होता है, ये हमारा भूदृत होता है, ठीक है, यानी ये अर्थ से कनेक्टेड होता है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो जो भी हम संधारित्र बनाएंगे उसमें कम से कम एक ऐसा होना चाहिए आपका प्लेट जो क्या हो, अर्थिंग किया हुआ हो, ठीक है ना, यानी भूदृत किया हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लिखते हैं इसमें, जब बाहरी गोला, जब बाहरी गोला क्या हो, भूदृत हो, जब बाहरी गोला भूदृत हो, ठीक है, भूदृत हो का मतलब क्या, वो अर्थ से कनेक्टेड हो, ठीक है, बाहरी गोला हमारा क्या हो, भूदृत हो, यानी वो अर्थ से कनेक्टेड हो। तो हम देखिए जाए करते हैं इसको, बाहर वाला जो गोला है इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हमने करा इसको अर्थ से इसका कनेक्शन, ठीक है, इसको हमने कर दिया अर्थिंग, बाहरी वाले गोले को हमने कर दिया अर्थिंग। अब इसमें क्या है, अब हम इसमें आवेश तो देंगे ना, आवेश तो देना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को आवेश देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ए वाले को आवेश दे देते हैं, कौन सा आवेश, प्लस का क्यू आवेश देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं जब हम प्लस का क्यू आवेश देंगे तो पूरा का पूरा आवेश क्या होगा, इस ए पे
वितरित हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा आवेश जो होगा वो हमारा ए पे वितरित हो जाएगा। बनावट समझे कैसे हमारा बनेगा संधारित्व, ठीक है। तो हमने इसको आवेश दिया तो पूरा का पूरा आवेश जो है किस पे वितरित होगा, पूरा का पूरा ए पे वितरित हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ए पे वितरित हो गया पूरा का पूरा आवेश, तो अब ये भी जानते हैं कि अगर ए पे प्लस आएगा तो इस पे क्या आना चाहिए, इस पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका माइनस, ठीक। और अगर इस गोले की बात करें तो जरा इसको समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका आ गया माइनस, ठीक है। माइनस को हम मान लेते हैं ये आपका माइनस का क्या है, क्यू है, ठीक है। यहाँ पे जरा समझिए, हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो अलग अलग प्लेट दिए हो, ठीक है, दो अलग अलग अगर हमारे पास प्लेट है, एक आपका आवेशित है प्लस क्यू से, तो इसमें पूरा का पूरा क्या होगा, प्लस क्यू होगा, होगा ना। दूसरा वाला क्या है, अनावेशित है, तो अगर दो बेसिकली दो हमारे पास प्लेट है और चालक प्लेट होते हैं, तो दोनों को जब पास में रखते हैं तो पहले प्लेट के कारण क्या होता है, इस पे कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ आवेश तो जाएगा ना। तो यही हमारा कंसेप्ट है कि इसमें अगर प्लस का क्यू देते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आवेश जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्लस की खासियत होती है क्या करता है, ये इसमें का जो बेसिकली ये क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल का मतलब उदासीन है, मान लेते हैं ये उदासीन है, ये उदासीन प्लेट है, तो उदासीन प्लेट में प्लस और माइनस दोनों विद्यमान रहता है पहले से, तो ये दोनों का दोनों इसमें प्लस और माइनस पहले से विद्यमान होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब प्लस और माइनस दोनों होता है तो प्लस वाला क्या करता है, इसको धक्का देता है, इसमें के जो प्लस है उसको क्या करता है, ये धक्का देता है, और माइनस वाले को अपनी ओर क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, यही करता है ना। और जब हम इसको क्या करते हैं, भूदृत कर देते हैं, यानी जब हम इसको अर्थ से कनेक्शन इसका कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्लस कहाँ चला जाता है, नीचे पृथ्वी में चला जाता है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, ए को हमने क्या दिया, प्लस का क्यू आवेश दिया, पूरा का पूरा आवेश उस पर फैला हुआ है, ठीक है। इस प्लस क्यू, ये प्लस क्यू जो है क्या करेगा, इस वाले गोले के, ये जो हमारे पास गोला है संकेंद्रीय गोला, इसके प्लस को वो क्या करेगा, बाहर धक्का देगा, मतलब पूरा का पूरा प्लस किनारे की तरफ आएगा, और माइनस जो होगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस कहाँ आ गया, बीच में आ गया, ये हमारे पास माइनस आ गया बीच में, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे आ गया माइनस, इसने प्लस को पूरा का पूरा धक्का दे दिया, ठीक है ना, धक्का दे दिया, लेकिन हमने इसको कर दिया क्या कनेक्शन, तो प्लस का क्यू जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, ये आपका नीचे की ओर आपको धरती में चला जाएगा, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने आपको ये भी बताया था कि जो गोला है वो क्या होगा, अर्थ से कनेक्टेड होगा, मतलब जो गोला जो होगा भूदृत होगा, ठीक है, भूदृत गोला जो होगा वो कहलाता है आपका क्या, संघनक, ठीक है, आपका संघनक कहलाता है, जो गोला जो है पृथ्वी से कनेक्टेड होगा, यानी अर्थ से उसका कनेक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, संघनक, यानी हमारे पास जो गोला बी है वो क्या होगा आपका, संघनक कहलाएगा, क्लियर है। अच्छा, और एक जो होता है जो आपका अर्थ से कनेक्शन नहीं होता है, जिसका, तो जिस गोले का कनेक्शन अर्थ से नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो आपका होता है संग्राहक, ठीक है, यानी जो आवेश को एक्सेप्ट कर रहा है वो गोला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो आपका संग्राहक गोला कहलाता है, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी बनावट। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले आप इस फिगर को नोट करें आराम से, फिर हम इसको आगे की ओर बात करते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन रफ करते हैं, इसे पहले नोट करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो सारी चीजें, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, हम इसे रफ करते हैं और फिर इसका कंसेप्ट देखते हैं इसको, और फिर अच्छे समझते हैं इसको एक बार फिर से। हमने क्या किया, हमने एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या कितनी थी, ए थी, वो सारा चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक माना कि क्या, एक संकेंद्रीय गोला क्या है, ए बी है, गोला ए बी, यानी ये ए और ये वाला बी दोनों मिला के एक संकेंद्रीय गोला बनाया, जिसका गोला क्या है, और जिसके पहले वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, ए है, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, बी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बताया यहाँ पे जिसमें ए की त्रिज्या ए और बी की त्रिज्या कितनी है, बी है। ए जो है क्या है, संग्राहक है, संग्राहक का मतलब उसको आवेश मिल रहा है, तो जो आवेश को कलेक्ट करेगा वो कहलाएगा संग्राहक, ठीक है। और जो आपको अर्थ से कनेक्टेड होगा, यानी जो भूदृत होगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया अर्थ, ठीक है, यानी जो अर्थिंग किया होगा गोला का हिस्सा, ठीक है ना, जो आपका प्लेट जो होगा गोला का, वो आपको जो अर्थिंग किया होगा वो क्या कहलाएगा, संघनक कहलाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है बी जो है क्या है आपका, संघनक गोला है, ठीक है, और जो क्या है,
गोला बी क्या है, भूदृत भी है, ठीक है ना, भूदृत है और वो क्या कहलाता है, संघनक। सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद करना है, जो गोला आपको अर्थ से कनेक्टेड होगा वो कहलाएगा संघनक, ठीक है। अच्छा, और जो कनेक्टेड नहीं होगा, जिस पे आवेश दिया जाएगा, वो आपका कहलाएगा संग्राहक यानी कलेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ बोल रहे हैं क्या कि गोला ए को प्लस क्यू आवेश देने पर, गोला ए को क्या दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। तो आप जानते हैं प्लस क्यू का काम क्या होता है कि दूसरे वाले जो हमारे पास चालक है उसके प्लस को धक्का देता है, इसने इसके प्लस को इधर धक्का दिया और माइनस को क्या किया, अपने ओर कलेक्ट, अपने ओर क्या करता है, उसको अटैक करता है। तो इसने अटैक किया माइनस को। अब हुआ क्या इसमें कि जब हमने इसको भूदृत कर दिया तो इसका पूरा का पूरा प्लस कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। अब पृथ्वी के अंदर जाने से क्या होगा, ये हमारा एक बन जाएगा आपको प्रॉपर संधारित, ठीक है। और यही ऐसे ही संधारित को हम लोग बनाते हैं, तो इस पे क्या रह जाएगा माइनस का क्यू और इस पे क्या रह जाएगा आपका प्लस का क्यू रह जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा क्या कि गोला ए को प्लस क्यू आवेश देने पर बी पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आपके सामने क्या है, बी पे माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न हो गया है। एक और पॉइंट, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो है क्या होगा, विभव समान होगा। यानी इस गोले की बात करें तो पूरा का पूरा सरफेस है, प्रत्येक बिंदु पे जो होगा विभव जो होगा समान होगा, ठीक है। और विभव होगा कितना तो हम लोग निकालेंगे। इस बी वाले गोले की बात करें तो पूरे बिंदु पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है, पूरे बिंदु पे विभव का मान कितना होगा, वहां पे भी समान ही होगा, और वो कितना होगा वो भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि विभव के बारे में क्या जानते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश कितना है, बिंदु आवेश आपके पास क्यू है, तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है यानी भी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन और कितना आर होता है, ये आप जानते हैं। अगर वो आर दूरी पे रखा हुआ हो तो बिंदु आवेश के कारण विभव का वैल्यू होता है क्यू बाय फोर पाई इप्सिलॉन आर। यहां पे अगर बात करते हैं पहले गोले के लिए, गोला ए, तो गोला ए के लिए त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, छोटा वाला है, आवेश कितना है प्लस का क्यू। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि गोला ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, गोला ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे, विभव लिखेंगे, है ना, विभव लिखेंगे, ये हमने लिखा यहां पे विभव। तो गोला ए के कारण, गोला ए पर, गोला ए जो हमारे पास है उस पे आवेश कितना है, प्लस का क्यू है, उसकी त्रिज्या कितनी है, ए दी गई है, तो गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जरा देखिए विभव कितना होगा, इसको लिखते हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव जो होगा वो क्या होगा आपका, भी ए होगा। यानी ए गोला है तो ए के लिए लिखा हमने ए, और विभव के लिए क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, और भी ए का मान कितना हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन 4 पाए इप्सा नॉट और कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे ना, क्यू बाय 4 पाए इप्सा नॉट ए, त्रिज्या कितनी है, ए है, तो हमने इसको लिख दिया, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे के लिए, गोला बी पर माइनस क्यू आवेश है। देखिए यहां पे गोला जो बी है हमारे पास, इस पे कितना आवेश है, इस पे जो आवेश दिया वो क्या है, माइनस का क्यू है, ठीक है, तो माइनस का क्यू है, तो माइनस के क्यू के कारण क्या है, आप जानते हैं कि विभव के अंदर में प्लस के कारण प्लस विभव और माइनस के कारण क्या होता है, माइनस का विभव होता है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको लिखे हम लोग कौन सा, भी लिखेंगे ना, बी गोला है तो इसके लिए भी लिखेंगे, और इसका जो विभव होगा वो कितना होगा, माइनस का क्यू अपॉन फोर पाई इप्सा नॉट, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल दूरी कितनी है, बी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं क्या कि एक ही संधारित्र है, एक ही संधारित्र है ना, ये जो पूरा का पूरा संधारित्र बनाया है, गोलीय संधारित्र एक ही है, दो तो है नहीं, एक ही संधारित है, लेकिन विभव का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। विभव का मान एक तो आया क्यू बाई फोर पाई इप्सिलॉन नॉट ए, और दूसरा आया माइनस का क्यू बाई फोर पाई इप्सिलॉन नॉट बी। हमको क्या चाहिए होता है, जरा देखिए, जरा समझिए, हमको जो है धारिता निकालने के लिए चाहिए होता है क्यू अपॉन बी। हमको बेसिकली क्या, आवेश पता होना चाहिए और भी का मान पता होना चाहिए। तो अब एक भी तो है नहीं, टोटल टोटल कितने भी है, दो भी है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। यानी टोटल को जब जोड़ लेंगे तो भी नेट मिल जाएगा हमको, और जब भी नेट मिल जाएगा
तो हम इसको यहाँ पे लाकर रख देंगे और हमारी क्या मिल जाएगी, आपकी धारिता निकल के चली आएगी। तो ये पहले आप एक काम करें, पहले आप इसको पूरा का पूरा टोटल नोट कर लें या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं दोनों विभव को जोड़ते हैं और फाइनल स्टेज में लेकर इसका पूरा व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, फिर आगे की बातें करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग व्यंजक की तरफ। ठीक है, ये हमारा निकल गया भी ए और दूसरा निकल गया आपके पास भी बी। ठीक है, तो भी नेट कितना आएगा, यहां लिखते हैं भी नेट, यानी टोटल जो विभव होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये भी नेट जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, जरा देख लेंगे भी नेट। तो भी नेट जो होगा वो आपका हो जाएगा भी ए प्लस कितना भी बी, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो भी ए प्लस क्या भी बी, ये आपको निकल के आ जाएगा कितना, किसका वैल्यू, भी नेट का वैल्यू। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे भी नेट इक्वल टू भी ए का मान कितना है प्लस का क्यू अपॉन फोर पाई इप्सन और ए, तो ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई इप्सन और कितना ए हो जाएगा, किसके कारण, प्लस के कारण। ठीक है, और भी बी का वैल्यू कितना है, ये माइनस का क्यू अपॉन फोर पाई इप्सन और ए, तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस का क्यू अपॉन फोर पाई इप्सन और कितना हो जाएगा ए, नहीं है बेसिकली क्या है, ये आपके पास बी है। अब आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q, दोनों जगह क्या है Q है, तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं भी नेट का भी नेट, यहाँ से Q को कॉमन कर लेते हैं और नीचे में क्या है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको भी कॉमन कर लेते हैं, ये सेम दिख रहा है ना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी क्या 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 अपॉन a बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन b बचेगा। बताइए जरा हमने क्या करा, दो अलग अलग हमारे पास विभव आए थे, एक तो भी आया था किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, और भी भी आया था माइनस क्यू आवेश के कारण। हमको टोटल विभव चाहिए, तो टोटल विभव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को कर दिया ऐड, भी ए का वैल्यू था हमने लिख दिया, भी बी का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, क्यू है, क्यू है, क्यू को कॉमन किया, नीचे में फोर बाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी फोर बाई इप्सिलॉन नॉट, इसको भी हमने कर लिया कॉमन, तो जब कॉमन हो गया तो बचा क्या वन अपॉन ए, और यहाँ बचा आपको वन अपॉन बी, चलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, भी नेट इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम ले लिया जाए, नीचे बनेगा क्या आपका ए भी बनेगा, और यहाँ से ए कटा तो बचेगा बी, तो क्या होगा यहाँ पे बी, और बी से बी कटा तो क्या बचेगा यहाँ पे ए बचेगा, यानी ये आपका आ गया टोटल भी का वैल्यू। भी का वैल्यू कितना आ गया, क्यू अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए बी आपका निकल के आ चुका है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, जो हम लोग चाहते हैं निकालना वो हमारा नहीं होगा। बेसिकली हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है धारिता, तो धारिता का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, धारिता होता है सी इक्वल टू कितना क्यू बाय भी, पढ़े है ना, आवेश अपॉन विभव को बोलते हैं हम लोग धारिता। ठीक है, तो ये धारिता का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्यू का तो क्यू रहेगा, है ना, क्यू का क्यू मान रहेगा, भी का मान कितना आ गया है, यह आया क्यू बाय फोर पाई इप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए बी, यहाँ लिख दिया जाए भी की जगह पे, तो ये बनेगा क्यू बाय फोर पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे में क्या है आपका ए बी है, और ऊपर में क्या है आपका बी माइनस ए है, यही ना है, देखिए ऊपर में क्यू के साथ क्या है बी माइनस ए, और नीचे में इप्सिलॉन नॉट के साथ क्या है आपका ए बी लिखा हुआ है, चलेगा ना, ये आपके पास ए बी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू हमारा कैंसिल, अब तीन बट्टा है, तो मेन बट्टा कौन है हमारे पास, मेन जो है हमारे पास ये वाला है, ये वाला कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला जो है ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, तो जो C का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4 पाई कितना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ए बी कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका B माइनस का ए आ जाएगा आपका, किसका वैल्यू, धारिता का वैल्यू। तो ये था हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे निकला, सबसे पहला हमने क्या लिया, लास्ट बार समझ लें एक बार, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक गोला था, छोटा वाला गोला जिसको हमने बोला है ए, एक बड़ा गोला था जिसको बोला हमने बी, इसकी त्रिज्या क्या है बी है। ठीक है, गोला ए का त्रिज्या ए और गोला बी का त्रिज्या कितना बी, ए को हमने आवेश दिया प्लस का क्यू, तो आवेश देने पे क्या होता है आवेश पूरा इससे फैल गया। अब इस आवेश की प्रॉपर्टी है प्लस की, इस वाले को क्या करता है धक्का देता है, जिसने के प्लस को इसने इधर धक्का दिया और माइनस को अट्रैक्ट किया, इसका जो प्लस होगा वो कहाँ चला जाएगा पृथ्वी में चला जाएगा, और इसका माइनस इधर आ जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा हमको एक संधारित्र। ठीक है, लेकिन संधारित्र की धारिता कैसे निकालनी है, तो अब आप चीज देख सकते हैं कि दो अलग अलग आवेश हैं, दोनों आवेशों के कारण पूरे इस सिस्टम में क्या होगा विभव उत्पन्न होगा। अब विभव कितना उत्पन्न होगा, तो गोला ए पर विभव जो है हमारे पास कितना आएगा,
जानते हैं बिंदु आवेश के कारण होता है क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो यहाँ ए था तो हमने ए लिखा, बी पे माइनस क्यू के कारण हमारे पास विभव यहाँ आया। अब टोटल विभव निकालना था, तो टोटल विभव निकालने के लिए हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को हमने जोड़ा वी ए प्लस वी बी, वी ए का मान इतना था और ये था आपका वी बी का वैल्यू। तो टोटल विभव निकल के आ चुका था आपके पास क्या, ये आपका आया क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन कितना ए बी आपका आ गया। लेकिन धारिता हमको ज्ञात करनी थी, पूरा के पूरे सिस्टम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेन तो हमारा प्रोसीजर क्या था कि हमको धारिता निकालनी है, किसकी, गोलीय संधारित्र की। तो धारिता का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू तो क्यू ही रहेगा, वी का वैल्यू कितना निकाला ये वाला निकाला तो हमने यहाँ पे लाकर रख दिया। तो बी माइनस ए ऊपर में और नीचे में क्या था ए बी, यहाँ से क्यू कटा और नीचे वाले को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे ऊपर की ओर, नीचे क्या आ गया बी माइनस ए। तो ये होती है आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा, तो आराम से इसे आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले, हम एक आध मिनट वेट करते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपके दोस्त अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उन दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और मेरे वीडियो को देखकर बहुत अच्छा पढ़ाई का आनंद ले सकें। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको बेसिक से हाई लेवल तक का मैथमेटिक्स और साथ ही साथ आपको फिजिक्स के बहुत ही शानदार अंदाज में पूरे फिगर के साथ आपको मिलेंगे, पूरा हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है तो आप प्लीज़ मेरा एक बार वीडियो जरूर देखें, आपको अपने आप सारा चीज़ अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग करेंगे आपके लिए जब गोला जो है हमने पकड़ा है यहाँ पे गोला बाहरी भूदृत है, तो आने वाले लेक्चर में करेंगे जब गोला क्या होगा भीतरी भूदृत होगा, यानी ये वाला नहीं बल्कि ये वाला जब भूदृत होगा यानी अंदर वाला, तो उसके लिए हमारा धारिता का मान कितना आएगा उस वाले कंसेप्ट को हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।